What's up, everybody? Welcome to another vlog, guys. आज हम है गाइस सिटी ऑफ वेनिस, सिटी ऑफ लव. और मेरे पीछे आप देख सकते हो गाइस, ये देखो कनाल दिख रहा है, कनाल. ये है कनाल गाइस. और यहाँ से मतलब हम जहाँ पे रह रहे हैं ना गाइस, एकदम जूना पुराना, मतलब आपको फील आएगा जूना पुराना घर है यहाँ से. ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो कहाँ पे है. ये देखो, ये आपको गली दिख रही है गाइस. ये गली के अंदर जो सेंटर में वहाँ पे ना, वहाँ पे एक मतलब ग्राउंड फ्लोर पे अपना घर है. लेकिन आपको गली देख के समझ में आ जाएगा कि कितना जूना पुराना ये सिटी है गाइस. ये देखो, वाओ. यहाँ पे इसको ना वाटर सिटी भी बोलते हैं गाइस. तो हर जगह पे कनाल से कनाल. तो अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं तो कनाल का ही पार्ट है एक. ये देखो, मेरे पीछे नीचे एक बोट है. हाँ, ये देखो गाइस, ये बोट है. और ये हर जगह पे पार्क की हुई है यहाँ से. और हर जगह पे ब्रिज आपको दिख जाएंगे जहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं. लेकिन मजे की बात ये है गाइस, यहाँ पे आज का वेदर इतना अच्छा है ना, मतलब 26 डिग्री का मतलब टेम्परेचर यहाँ पे. और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज इटली में अगर आए हो, वेनिस में आए हो, अगर वेदर ख़राब है तो आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते. तो गली गली में हर जगह पे फोड़ ताड़ करके घूमेंगे गाइस हम, और फुल आपको मचाएंगे, फुल मचाने वाले हैं. तो आप फटाफट से लाइक कर दो गाइस, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं हम थोड़ा सा 2-4 मिनट के बाद एक जगह से. थोड़ा कुछ स्नैक भी उठाते, कुछ खाते, और फुल आपको टूर देंगे वेनिस में क्या क्या मज़े करने वाले हम. तो बने रहो गाइस. बाय द वे गाइस, एक बात का मतलब मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि ना हर जगह पे ना गाइस, और थोड़ा मैं दूर पकड़ता हूँ. हाँ ठीक है, अरे वाह. तो यहाँ पे ना गाइस एक चीज़ ऐसी है कि लेट्स से आप पकड़ लो, हर जगह पे टूरिस्ट, हर जगह पे टूरिस्ट दिख जाएंगे आपको. और ये जो सारे पीछे घर दिख रहे हैं, ये हर जगह पे कोई ना कोई होगा आज. ओ इधर 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 हर जगह पे कोई ना कोई होगा यहाँ पे. मतलब वो दिख रहा था ना आपको, दिखाया था मैंने वहाँ पे, उस साइड पे वहाँ पे कैनाल था, और इसके एग्जैक्ट आगे भी कैनाल है. मतलब यहाँ पे रोड ही नहीं गाइस. अगर आपको कम्यूट करना है ना, तो टैक्सी लेके, मतलब ऑटो टैक्सी होती है, वो लेके आपको कम्यूट करना पड़ेगा हर जगह से. और हर जगह पे भाई सेम गलियाँ हैं. मतलब बाकी की जगह पे तो इतनी मतलब ओल्ड टाइप की गलियाँ है, बट चलो मज़े मारते भाई. वाओ वेदर अच्छा है, चलो. वाओ ये देखो भाई, ये कनाल है, ये फ्रंट साइड का कनाल है. और ये यहाँ से आगे, मतलब हम यहाँ से आगे निकल के ये ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा सा स्नैक भी खाने का ट्राई करेंगे. स्नैक्स तो नहीं, बाय द वे स्नैक्स चीचा आपको खाए, आपको नहीं खाना हमको. बाय द वे स्नैक्स चीचा आपको नहीं खाएंगे हम. सो इधर. तो अपने जो पंटर लोग है सो भाई फुल वाइब. मतलब मैंने तो एकदम समर वाला लुक पहना है थोड़ा गंदा है बट ठीक है, अभी सिटी के अंदर है. गंदा मतलब इतना भी गंदा नहीं है, बट ठीक है गाइस. लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ ऐसी यहाँ पे मतलब बताई गई थी हमने, जैसे टूर गाइड देखे थे ना, तो वहाँ पे हमको बताई गई थी ये जो कनाल्स है ना गाइस, इसके अंदर हम स्विम नहीं कर सकते. अगर आप इसके अंदर स्विम करते हो ना, तो आपको 350 यूरोस तक का फाइन लग सकता है. सो अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, अगर आप वेनिस में आ रहे हो, तो 3000 यूरोस तक आपको फाइन लग सकता है. तो भाई बच के रहना. ये फिर से गलत कर दिया. फाइनल कंफर्मेशन है 700 यूरोस गाइस. अगर आपको स्विम करना है तो 700 यूरोस आप रेडी रखना, और यहाँ पे स्विम कर सकते हो. लेकिन इतने गंदे पानी में आप नहीं कर सकते, ठीक है. लेकिन ये ब्यूटी ऑफ ये सिटी गाइस, मतलब कितना मस्त वाला व्यू है गाइस यहाँ पे फुल. ये जो व्यू है ना, या एक सेकंड आपको दिखाता हूँ. ये देखो कपड़े समा के जे
बड़ा बदतमीज बच्चा था। आपेश फिर से कनाल, हर जगह पे कनाल, जहाँ देखो वहाँ मस्त भी हो ना। ये वाटर फ्लो नहीं, ये चॉकलेट फ्लो है ये वाला। ओके, ब्रिज पे ब्रिज ठीक है। भीड़ देख रहे हो गाइस, भीड़ नहीं बोल रहे, टूरिस्ट इस सिटी की एक खासियत है कि मतलब हर 5 मिनट में इतनी बड़ी कैनल आपको दिख जाएगी गाइस, और हर जगह पे मतलब एक साथ इतनी छोटी छोटी बोट्स चलती है। अगर आपको कमिट करना है सिटी के अंदर, आई थिंक ये ग्रैंड कनाल जो भी बोलते हैं इसको, तो ये वही कनाल है जिसके अंदर भी हम अभी जाने वाले हैं, बट उसका टाइम है अभी तो। लेकिन भाई मज़े देखो, अभी थोड़ा गाइस यहाँ पे फोटो का सेशन होगा क्योंकि मस्त सेक्शन, मस्त जगह है यहाँ पे। चलो हमको नहीं चाहिए टोपा, टोपे से याद आया बहुत गर्मी है टोपा। चाओ व्यू एंजॉय करो गाइस। तो ये है पूल जहाँ पे वापस आफ्टरवर्ड्स आएंगे हम। भाई यहाँ पे क्या भीड़ है भाई, वाओ नाइस, क्या भीड़ है। आपने उतरा ने रियाल्टो उतरा ने नहीं ना, एक खिली बार दिख रही। मस्त है गोंडोला राइड। हाँ हजार भी Yeah, I'm not.
इट्स अ टाइम कि जहाँ पे मेन लोकेशन पे पहुँच रहे हुए हम, जो कि है मेरे पीछे, मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे एक्चुअली। ये दिख रहे गाइस आपको, ये लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से लेके मेन। सो फाइनली हम एक जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये वेनिस का वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन है, जो कि एक सेंटर स्क्वायर करके है। बाय द वे आज का आज का जो वेदर है बहुत ही खतरनाक अच्छा है, सो मस्त मज़ा आ रहा है। लोकेशन का नाम है गाइस सैन मार्को और जस्ट अबाउट टू रीच। हजारों राइड्स देख ली भाई, हमने हजारों राइड्स गोंडोला की देख चुके हैं अभी हम, तो शाम तक पता नहीं वेट करेंगे कि नहीं, बट शाम तक वेट करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज जो हमने इतना जो बनाया है अपना जो मोटिवेशन वो निकल जाएगा, तो चलो। मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमको पहुँचना था आज, जो वन ऑफ द मेस्ट मेन अट्रैक्शन है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो सेंटर स्क्वायर करके है यहाँ पे वेनिस में, अब एग्जैक्ट पता नहीं लेकिन सेंटर स्क्वायर में है ये बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग नहीं पूरे स्ट्रक्चर्स। सो खतरनाक वाली भीड़ है भाई, मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे, मतलब 10,000 लोग तो मेरे गिल्ली हो गए ऐसे, मतलब राउंड फिगर। वो पीछे तो मस्त मजे आ रहे हैं भाई, ये देखो पीछे जो है बड़ा म्यूजियम है, वहाँ पे एक क्यू लगा हुआ है बड़ा। मैं आपको एक स्नीक पिक देता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? तो साइड टू बाय साइड देखते चलो। सो गाइस ये देख रहे हैं बड़े बड़े पिलर दो यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, और ये एक बिल्डिंग है गाइस जो थोड़ी सी मतलब खतरनाक वाली पुरानी है, और ये आपको ऊपर दिख रहे हैं गाइस ये सारे स्टैचूज है, ये खतरनाक वाले स्टैचूज है, मतलब पता नहीं ये प्रीस्ट के स्टैचूज है पता नहीं, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक बर्ड मतलब टट्टी भी कर रहा है, और यहाँ पे लोग मस्त आइसक्रीम भी पेले जा रहे हैं, और इतने सारे फ़ोटो निकाल रहे हैं लोग, इतने सारे फ़ोटो निकाल रहे हैं। और सेम स्ट्रक्चर ये इधर भी है, ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा है भाई, ये पैलेस है एक्चुअली, डॉज पैलेस करके ये है गाइस। सो पता नहीं ये किंग का कोई पैलेस था बट इसको डॉज पैलेस ऐसा कुछ नाम है। सो इसके साथ साथ ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी दिया हुआ है इन्होंने, दिया मतलब क्या बनाया है, दिया क्या है मैं क्या बोल रहा हूँ, बट क्वाइट अ नाइस प्लेस गाइस, बहुत अच्छा। और गाइस गर्मी इतनी ना, इतनी खतरनाक वाली गर्मी है, और इस गर्मी के चक्कर में शायद यहाँ पे ना गाइस, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा पानी का छोटे बच्चों को खेलने के लिए पानी का एक सेक्शन मतलब सेक्शन बनाया उन्होंने। तो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे यहाँ पे लोग, ये छोटे बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं, मतलब बहुत गर्मी है ना, तो मतलब इरिटेट होने से अच्छा है कि पानी से खेल सकते हो। जैसे कि ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये लैम्प दिख रहा है ना, ये लैम्प मतलब यहीं पे देखने को मिलते हैं, जर्मनी में देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग टाइप के। सो मेरे को तो वो बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस ये देख रहे हो ये बेल टावर, ये उस टाइम पे मतलब लाइट हाउस की तरह यूज़ होता था, बट वहाँ पे ऊपर दिख रहा है ना वो वाला एक ब्लैक कलर का, वहाँ पे मतलब व्यूइंग एरिया है जहाँ से पूरा वेनिस दिखता है, वहाँ पे जाने का जो क्यू है ये वो इस डायरेक्शन पे है। कहाँ पे कह रहे हैं भाई, इधर इधर जा, हाँ ये देखो इस डायरेक्शन पे है ये क्यू, और ये क्यू काफ़ी बड़ा है, और नो स्किप का जो टिकट है ना गाइस, सो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए सोल्ड आउट है। तो अभी अगर लाइन में अगर खड़े रहेंगे तो कम से कम 3 घंटे तो लग जाएंगे हमको, 2 से 3 घंटे, और इतना मुझे लगता है कि 3 घंटा वेट करके इतना ऊपर जाके सिर्फ विनिश देखे वर्थ हो सकता है,
बट उतना रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज टाइम का बहुत ही कंस्टेंट है हमारे पास. तो चलो यहाँ से पानी है. पानी संभाल के भाई. शूज निकालना है फिर अभी. चलो शूज निकाल दे भाई. शूज निकालने के बाद पता चलेगा. शूज निकालते क्योंकि ये पानी में तो तकलीफ हो जाएगी. गाइज ऊपर चढ़ने के बाद है ना, मतलब यहाँ पे देख रहे हो इतना बड़ा घंटा मतलब वो बेल हाउस क्या बोलते हैं उसको, पहले लाइट हाउस था एक्चुअली बट अभी ये बेल हाउस है. बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है ये. और अभी हम जिस हाइट पे आए हुए ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हाइट पे आए अभी हम, क्योंकि यहाँ से पूरा सिटी दिखता है. जैसे कि यहाँ पे भी एक मुझे थोड़ी सी जगह मिली है जहाँ से मतलब थोड़ा मैं देख सकता हूँ यहाँ से. ठीक है ये देखो नीचे आ जा. तो गाइस इस साइड देखो ये पूरा समुंदर है. थोड़ा हाथ बाहर निकालता हूँ उसको, आपको टेंशन नहीं. हाँ ये समुंदर और ये रहा सिटी, सिटी ऑफ वेनिस गाइस. ये सिटी ऑफ वेनिस भाई साहब कितना मस्त मोमेंट है. मतलब इसके एग्जैक्ट पीछे भी समुंदर है और इसके एग्जैक्ट पीछे भी समुद्र है गाइस. और ये नीचे देख रहे आप, ये देखो यहाँ पे अभी हम थोड़ा पानी में खेल रहे थे, ये वही पानी है. मतलब कितना नीचे है पता नहीं कैमरा में कैसे दिखेगा बट यहाँ से तो मेरे को बहुत हाई दिख रही है. और भाई वाह नेचर तो है यहाँ पे, फुल समुंदर है यहाँ पे. और ये पूरा ओल्ड सिटी है, ओल्ड टाउन जहाँ पे मतलब पूरे लकड़ी, ये सारी मोस्ट ऑफ जो बिल्डिंग्स है वो सारी लकड़ी की है. लकड़ी जो अपने इंडिया में भी बहुत सारी ओल्ड वाली होती है ओल्ड. और ये हूँ मैं गाइस जो कि तारों के बीचे से हाथ निकाल के आपके लिए व्लॉग बना रहा है. और व्लॉग बनाते बनाते आपको समझना चाहिए कि समझना क्यों इतना डिफिकल्टली बनता है, डिफिकल्ट से बनता है ये. सो प्लीज़ इस बार प्लीज़ कर देना 1000 लाइक्स तो कर देना पूरे. ठीक है सो गाइस जैसे मैं ऊपर आ गया ना अभी तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ आपको. ये इतनी सारी बोट चल रही है यहाँ पे और हम इतने हाइट पे हैं यहाँ पे फुल. ये देखो वाह मेरे को तो फुल मज़ा आ रहा है. ये मतलब कैमरे में पता नहीं कैसे दिख रहा है बट मेरे को आंखों में देख के इतना तसल्ली लग रहा है या फिर इतना सुकून मिल रहा है ना. माय गॉड वाओ भाई साहब अगर हम यहाँ पे नहीं आते ना तो शायद हम मिस करते कुछ. अच्छा हम आ गए. और वाओ बाय द वे सामने जो दिख रहा है आपको बेट, ये थोड़ा सा ये नहीं है शायद, ये नहीं है वो दूर वाला दिख रहा है आपको एक. हाँ वहाँ पे कल जाने का प्लान है हमारा. कल का तो भाई कल का ब्लॉग अलग बनेगा लेकिन आज एंजॉय कर लो. और ये बैक साइड पे गाइस वाओ ये बैक साइड का व्यू है. मतलब हम जहाँ पे अभी नीचे गए थे ना जहाँ से हमने एक फ़ोटो निकाला था वो ऐसा दिखता है ऊपर से. और काफ़ी मस्त है भाई ऊपर से देख सकते हो कितने मतलब ये अलग लेवल का दुनिया है भाई. मतलब उस टाइम पे जब रोमन एम्पायर था यहाँ पे मतलब क्या क्या कुछ उन्होंने बनाया इस टाइम पे. लेकिन ये भाई तो लकड़े का है भाई, तो ये जो बड़े बड़े दिख रहे ना आपके ये सारे लकड़े के ऊपर से मतलब उनको कलर अच्छे से मारा है बट भाई लकड़े की ये चीज़ है. वाह यार बहुत ख़राब किया उन्होंने नेचर बट ठीक है, थोड़ा कुछ बनाने के लिए कुछ ख़राब करना ज़रूरी है समटाइम्स.
लेकिन बहुत डैमेज किया है इसके अंदर, इतनी लकड़ियाँ हो गई ना गाइस ये पूरे सिटी के अंदर। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मतलब बहुत बड़ा ऑक्सीजन उन्होंने कम कर दिया है उस टाइम पे। ये HDR वीडियो आई तीरू में दे स्क्वायर है ना अरबी, स्क्वायर है ना भाई, सेंटर मुझे सेंटर स्क्वायर है एकदम। Tu vedo. C'è la cosa vedere.